पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने अपने शरणागतों को केवल मनोमोहक कथाओं तक सीमित नहीं रखा, यथार्थता का ज्ञान दिया जिससे मानव का, उसकी आत्मा का कल्याण हो और ये मानव जन्म जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हुआ है ये विधाता ने आत्मा को यह मनुष्य देह आत्मा का निवास स्थान ये जो प्रदान किया है विशेष कारण है उसका, जिस आत्मा का उद्धार होने का समय आ गया है। ये प्रथम पंक्ति में ला खड़ा किया मानव देह के रूप में, नर अथवा नारी कर्म अनुसार। अब इस नर तन को पा करके भगवान ने गुरु का मिलाप करवा दिया जो पथ प्रदर्शन करता है क्या करना उचित क्या अनुचित। इस ज्ञान को देता है मानव के जीवन में यह समय। एक तो गुरु शरण में आकर के जो श्रेष्ठ मार्ग है इसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और दूसरा मन को प्रिय मार्ग है। दो मार्ग गीता का सिद्धांत है, उपनिषदों का सिद्धांत है, ये आत्मा के लिए दो मार्ग रह जाते हैं। एक तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, इस मार्ग में दुख कष्ट होंगे क्योंकि ये मन के अनुकूल ना होगा परंतु सर्वश्रेष्ठ होगा। दूसरा प्रिय मार्ग है जो मन को अच्छा लगता है। ये दोनों मार्ग आत्मा को बांध लेते हैं, दोनों में से एक को एक मार्ग पर चल करके, या तो आत्मा अपने गंतव्य ब्रह्मधाम में पहुंच जाता है, अन्यथा बार बार जन्म और मृत्यु के कारण इसी मातलोक में मृत लोक में वह विचरता रहता है। कर्म करने के लिए प्रत्येक मानव स्वतंत्र है क्या करना क्या ना करना, ये भगवान ने मानव के ऊपर छोड़ दिया। अब बुद्धिमत बुद्धिमान और मंद बुद्धि ये स्वयं निर्णय करते हैं कि हमें कौन से मार्ग पर चलना है। जो श्रेय मार्ग है सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, और दूसरा प्रेय मार्ग है जो प्रिय लगता है, ये दोनों मार्ग नाना प्रयोजन उद्देश्य वाले हैं, और पुरुषात्मा को बांधते हैं, ये बांध लेते हैं दोनों मार्ग। इन दोनों में से
जो श्रेयस ग्रहण करता है उसका कल्याण हो जाता है, और जो प्रिय मार्ग पर उसको अंगीकार करता है, उसको अपनाता है, वह जीवन के उद्देश्य से गिर जाता है। संसार में सबके लिए दो मार्ग हैं, एक श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ में आत्म कल्याण का यह मार्ग है, आत्मा का कल्याण, यह मोक्ष मार्ग है। इसको करने के लिए, इस मार्ग पर चलने के लिए जो जप करता है, संयम में रहता है, आराधन करता है, ध्यान और भक्ति भाव वाला है, तथा आत्म ज्ञान रूप है, श्रेष्ठ मार्ग में क्या क्या साधक को करना होता है, एक मानव को करना होता है, जाप, नाम जाप, जीवन में संयम रखना होगा, फिर आराधन, लीनता की लय अवस्था ध्यान, भक्ति भाव, कैसा भी समय क्यों ना आ जावे, अनुकूल अथवा प्रतिकूल अपने प्रारब्ध कर्म के कारण उस परमेश्वर के प्रति विश्वास अटूट होवे, कैसी भी अवस्था क्यों ना हो जाए, ये श्रेष्ठ मार्ग के चिन्ह है। अगर विचलित हो गया तो पथ भ्रष्ट हो गया, फिर आत्मा का ज्ञान, जो गीता में आता है, वह मानव देव यान से उस धाम को पहुंचता है। देव यान का अभिप्राय क्या है, गीता में आता है, देव यान से उसके पहिए क्या है, उस यान का स्वरूप क्या है, उस यान का स्वरूप है जाप, संयम, आराधन, ध्यान, भक्ति भाव और आत्मज्ञान, इसी का नाम देव यान है। इस यान पर बैठ करके ये तप तप गए मानव उस देव यान पर अपनी आत्मा को सवार कर देता है। इसके विपरीत दूसरा प्रिय मार्ग है, प्रियस मार्ग है, इसमें जो मानव विचरता है उसका ध्येय केवल एवं केवल जो इस लोक के सुख भोग का है, इस लोक में वह आत्मा की ओर, उसके कल्याण की ओर उसकी दृष्टि नहीं होती, उसकी दृष्टि, उसके भाव, उसकी लगन, उसकी प्रीति केवल एवं केवल इस लोक के सुख संपत्ति तक सीमित हो जाती है। इसको मंदबुद्धि बालक के नाम से पुकारा गया। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो दुख है, तप है, कष्ट है, ये प्रारंभिक रूप में, परंतु जो उसमें आनंद है,
स्थाई सुख है, वह प्रिय मार्ग में कदापि दूर दूर तक दृष्टिगोचर नहीं होता। वह प्रिय मार्ग में केवल मानव इस लोक के सुख भोग का प्रत्येक कर्म का फल तुरंत चाहता है। फल कामना के कर्म करता है। यह पितरायन मार्ग है, गीता में आएगा देवयान मार्ग पितरायन मार्ग। देवयान जप संयम आराधन ध्यान भक्ति भाव आत्मज्ञान प्रिय मार्ग पितरायन मार्ग, इस लोक के सुखों में निमग्न हो जाना, इस लोक की धन दौलत संपत्ति के लिए ललायत रहना, इस लोक में अपना यशोगान, इस लोक में अपना आदर सम्मान, इस भाव से ये तेरा ये मेरा। मानव अपनी आत्मा को पितृयान मार्ग पर सवार कर देता है। बार बार जन्म बार बार मृत्यु, ये दोनों मार्ग आत्मा को पकड़ते हैं, इसको भाव देते हैं। जो शेष मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग है, भक्ति का, उपासना का, उपकार का, सेवा तथा ज्ञान में दृढ़ करता है। यहां अभिमान लेश मात्र नहीं होता। प्रिय मार्ग में अभिमान बहुत होता है, मैं करता हूं, मेरे द्वारा होता है, मैं ना करूं